नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए साथियों, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाकर डाला था इसके पहले नोट्स के बारे में साथियों, कि आपको नोट्स कैसे बनाए चाहिए। तो साथियों, उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे आए कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। बहुत सारे मेरे भाइयों ने गगन प्रताप का कोर्स ले रखा है, बहुत सारे मेरे भाइयों ने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले रखा है, और बहुत सारे टीचर्स जो अच्छा कर रहे हैं एसएससी की फील्ड में मैथ के लिए, तो बहुत सारे टीचर्स अपना कोर्स जो है सेल करते हैं और बच्चे उनका कोर्स खरीदते हैं और उनसे नोट्स बनाते हैं साथियों। लेकिन साथियों, दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है साथियों कि बहुत सारे मेरे साथी कमेंट कर रहे थे भैया कि भैया जो टीचर्स हैं वो अपना जो कंटेंट देते हैं वो वाली ज्योमेट्री की बात करते हैं साथियों, तो ज्योमेट्री बताते हैं कि वो 40-40 क्लास में सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ाए हैं। तो हम नोट्स उनका कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि 40 जो क्लासेस है उनका नोट्स बनाने में तो एक कॉपी तो भर जाएगी। और साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने अभी जो वीडियो अपलोड किया था अपने मैथ्स के नोट्स को लेकर साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो आप जरूर देखेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने मैथ्स के लिए कितने नोट्स बनाए साथियों। तो दोस्तों, अगर आप 40 क्लास के नोट्स बनाने लगेंगे साथियों, तो एक कॉपी तो आसानी से भर जाएगी साथियों, और वो फिर रिवाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है साथियों आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से किसी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको आसानी से लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफी ज्यादा फायदा हो। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जितने भी मेरे भाई चैनल पर अगर नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमको लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो हमको वहां पर मिल जाते हैं साथियों। इसके अलावा जब नोट्स अपने हाथ से हम बनाए रहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी ज्यादा होती है, रेदर देन क्लास नोट्स परचेस करने के या फिर उनके पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवाने के। तो साथियों, लेकिन जब 40 क्लासेस की बात आ जाती है तो उनको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये बड़ी बात आ जाती है साथियों। तो दोस्तों, ये जो 40 क्लासेस होते हैं, ये 40 क्लासेस ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताए जाते हैं साथियों। दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि मेरे जितने भी भाई अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं साथियों, तो वो 40 क्लासेस में जितने क्वेश्चंस टीचर कराते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी नोट करते हुए चलते हैं, और यहीं पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं और कॉपी की मोटाई भी बढ़ती जाती है साथियों। लेकिन आपको करना क्या है साथियों, सिंपली आप जब किसी भी टॉपिक का नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, किसी भी टॉपिक का, चाहे वो ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कोई भी टॉपिक, तो दोस्तों उसमें आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे नोट जो करना है, वो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट नोट करना है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ, उसको आपको नोट करना है। उसके बाद सिंपली उस थ्योरम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या मैक्सिमम तीन क्वेश्चन नोट करने हैं। इसके अलावा जब टीचर उसी थ्योरम पे बेस्ड और क्वेश्चन कराने लगे दोस्तों, तो आपको सिंपली उसको अपने रफ में सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ना कि उसको अपने नोट्स में नोट करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सारे क्वेश्चंस को जो टीचर क्लास में करा रहा है उनको नोट्स में लिखने लग गए, तो कहीं ना कहीं कॉपी की जो मोटाई बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आपके मैथ्स के नोट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी साथियों। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आप सिंपली थ्योरम नोट्स करिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला हो उसको नोट करिए। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, उस थ्योरम पे बेस्ड जो दो तीन क्वेश्चन है उनको नोट करके फिर सीधे आगे बढ़ जाना है साथियों। अब आपके जो आप सिंपली जब क्वेश्चन सारे नोट करने लगते हैं क्लासेस के, तो वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब मैंने नोट्स बनाए थे साथियों, मैंने भी जितने क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए थे वो सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में नोट किए थे। इसी वजह से मेरी कॉपी जो है मैथ्स की साथियों, नोट्स 5 कॉपी में भरी थी, लगभग 1000 पन्ने लगे थे नोट्स को बनाने में साथियों। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं साथियों, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ एक कॉपी आप ऐसी बनाइए जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को एक जगह कंपाइल करते हुए चलेंगे साथियों। ये आपकी लास्ट में जाकर फार्मूला बुक बनकर तैयार हो जाएगी, जो आपको लास्ट में बहुत ज्यादा फायदा देगी। और साथियों, कहीं ना कहीं किसी भी टीचर के फार्मूला बुक को लेने की आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, जो बहुत सारे टीचर्स ने फार्मूला बुक निकाल रखा है साथियों। तो अगर आप इस तरीके से करते हुए चलेंगे तो आपकी फार्मूला बुक अपने हैंड रिटन खुद आप तैयार कर ले जाएंगे साथियों, और आपको शॉर्ट नोट्स भी देखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और दोस्तों, ये फॉर्मूला बुक आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है साथियों। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का मैंने आपको तरीका बताया कि आपको सिर्फ थ्योरम, कोई आप फॉर्मूला हो उनको नोट करना है, फिर उस फॉर्मूला पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन नोट करने हैं। उसके बाद आपको अगर टीचर उसी फॉर्मूला पे बेस्ड और क्वेश्चन करा रहा है साथियों, तो आपको उसको अपने सिंपली रफ में नोट करना है और रफ में सॉल्व करके उसका रिप्लाई करना है साथियों। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते हुए चलेंगे तो एक टॉपिक का मैं मानकर चाहता हूं ज्योमेट्री सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे मैथ्स का साथियों, तो वो आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा 20 पन्ने में कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो थ्योरम है साथियों कुछ लिमिटेड ही है, और टीचर्स जो है एक एक थ्योरम पे क्वेश्चन 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़े, और इसी वजह से क्लासेस लंबी हो जाती है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सही है, और प्रैक्टिस करने से हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा कराए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन हमको नोट करने हैं साथियों, एक दो क्वेश्चन आपको नोट करिए, उसके बाद आपको तो क्लास नोट्स मिल ही जाते हैं, उसमें से आप देखकर बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों। तो अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई हो, थोड़ा भी अगर आपको इससे फायदा हुआ, तो शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा
आपके अगर और भी कोई डाउट बन रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी उस डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को और जगह शेयर कीजिएगा। फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।